बनवाई आवश्यक सामग्री गुड़िक मैदा 500 ग्राम बिरी गोटे कप भिजेक यहपर भाव में 5 घंटा भिजेदेवे तापर यहपर भाव रखिए गुआ घी 2 चम्मच कला जीरा पान मधुरी किसी लुण धनिया पत्र कंचा लंका अदा एवं छाणीप रिफाइन तेल भिजे बिरी को ग्राइंडिंग कर नवा मैदा को आम डो बनईद मैदार डो बनवाई आम तेज हाफ टेबल स्पून लुण दबा पान मधुरी बड़ गोटे टेबल स्पून पान मधुरी दबा बहुत सुंदर फ्लेवर आसो टेस्ट भी आसो कला जीरा पकड़ा कस्तूर मेथी अवेलेबल ना कस्तूर मेथी पकड़ तो आर बहुत बासना आस टेबल स्पून गुआ घी दबा देखिए डो बन आम ए पा नहीं कि डो बन घी को भल भाव में घी सहित चकड़ी देपर आम पा दे कि चकटिकी पूरा सॉफ्ट डो बन अल्प अल्प कर पा दबा बर्तमान सॉफ्ट डो आम बनईदे यहाँ 15 मिनिट कि 20 मिनिट ढंकन दे रख जो बाटी नहीं था बिरी अदा पूरा बहुत छोट छोट कर काटे ना नहीं छेचीदे कंचा लंका कटा जाए पूरा एकदम छोट छोट करेंगे तरह पकईने और धनिया पत्र पकड़े थे लुण पकड़े यहाँ भल भाव मिसाई ने कड़ाई को गरम करवा 2 चमच तेल आम ना यापर आम जो बिरीटा को रखी थे धनिया पत्र कंचा लंका अदा मिसेको आम खाई पूरा भल भाव में भाजी ना चूलीर अंतटा टेस्ट पूरा सीम रखा बेस जोर दबानी जमी चाउल जंतणी जमी हुए सूजी जमी जंतणी हुए से भाला आम देखला बर्तमान गोटे गोल बर्तमान यह थंडा हो जामें यहाँ भल भाव आउ थे पूरा पॉलिश करके चकटी ना हाथ में किसी तेल कि घी नहीं आम गोल बनवा बर्तमान 15-20 मिनिट आमर डो टी हो बहुत सॉफ्ट हो जाए देखु पूरा एकदम सॉफ्ट हो जाए यह तो आम एपटे आम जो भल भाव लगे ये लगे हाथ में कि डो आपली ने गोल कर जो बिरी पूर तो पिठार जमी पूर दि जाए आपमती भल भाव मुहटी को बंद करपर भाव गोल करें बर्तमान सब बेला आमर पूरी पूरी आम सब बेली देचे सरी जाए आम यहाँ छाणी ना बर्तमान तेल गरम हो गला आम यहाँ पूरी गुड़ को गोटी गोटी कर छाणी ना यहपर भाव में गोटे गोटे कर छाणी ना देखु पूरा सुंदर भाव फुलिकी पूरा गोल हो उल्टे दबा पूरी सफ्ट मोटा टी आस खाइबा भल लगे बर्तमान आम रेडीगला कचोड़ी आम आगे छोले ना
पाई जो भाजी जमती कराए बर्तमान भाजी करदे से भाजी सहित खावा को बहुत टेस्टी लगे बहुत भल लगे आपड़ साधारण तो छोले भी करें बर्तमान यह रेडी खाई देखता।